मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, आज आपकी मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आई होप कि सब बच्चों को याद होगा। उसमें कैसे किया था? सबसे पहला हमने सबसे छोटा नंबर लिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में जाके सबसे बड़ा नंबर लिया था। ठीक है, वो क्या था हमारा? असेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्या कर रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल उसके उलट होता है। जैसे हमने असेंडिंग किया था ना, सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट किया था, फिर सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। लेकिन अब स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े नंबर से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे बड़े नंबर से, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, लास्ट में जाके सबसे छोटा नंबर। तो ये क्या होता है हमारा? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में जाके सबसे छोटा नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लैक बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, इनको सीरियल वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, अब चलिए फर्स्ट है हमारा, देखिए सबसे पहले 3 है, 17 है, 8 है, 12। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है हमारा 17। तो क्या लेंगे हम? 17। अब हमने 17 ले लिया, तो इसको हम क्रॉस कर सकते हैं कि अब हमें इस नंबर को नहीं देखना, हम लिख चुके हैं इसे। अब बाकी के बचे हमारे पास 3, 8, 12। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12। कौन सा नंबर है? 12। तो हम 12 को भी ले चुके हैं, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। ये बेटा मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका बता रही हूँ, कैसे आप कॉपी में कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा 3 और 8। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 8। 8 को भी हमने क्रॉस कर दिया। लास्ट में क्या बचा? 3। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में जाके सबसे छोटा नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं, घटते हुए क्रम में लिखना, यानी बड़े से स्टार्ट करेंगे और छोटे पे जाके हम फिनिश कर देते हैं। अब चलिए सेकंड वाला हम सॉल्व करेंगे, 2, 9, 1, 10। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। अब हमने 10 को क्रॉस कर दिया क्योंकि हमने ये नंबर ले चुके हैं। अब इसमें देखिए, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 2, 9, 1 में से 9। 9 में हमने ले लिया, हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब बचा 2 और 1, तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 2। और लास्ट में 1। तो ये आपको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर को करने का एक तरीका समझा रही हूँ, इस तरीके से आप इजीली इसको कॉपी में कर सकते हैं। चलिए अब अगला वाला सब देखते हैं हम, 14, 16, 9, 11। सबसे बड़ा नंबर चूज कीजिए इसमें। सबसे बड़ा नंबर है ये हमारा 16 वाला। कौन सा है? 16। अब 16 ले चुके हैं, इसको क्रॉस कर देंगे। अब कौन सा नंबर सबसे बड़ा रह गया इसमें? 14। 14 को हम ले लेंगे, यहाँ ये लिख दिया हमने 14, अब इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 9 या 11? 11 ना, हम 11 को ले लिया हमने, यहाँ पे इसको भी क्रॉस कर दिया। लास्ट में हमारा क्या बचा? 9। अब चलिए आते हैं नंबर फोर्थ पर। नंबर फोर्थ में हमारा 18, 15, 12 और 10। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 18। कौन सा है? 18। सबसे पहले हम लेंगे 18 को। अब 18 हमने ले लिया, 18 को एक साइड रख देते हैं। अब 15, 12 और 10 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 15 भी हम लोग ले चुके। अब इसको छोड़िए, हम यहाँ देखिए 12 और 10। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 12। और लास्ट में 10। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ था, सबसे पहले सबसे बड़ा, लास्ट में जाके सबसे छोटा। अब देखिए लास्ट वाला हम सॉल्व करेंगे, इसमें 11, 7, 5 और 9 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर चूज करेंगे। सबसे बड़ा नंबर चूज किया तो क्या था? 11। 11 हमने लिख लिया। अब इन तीनों नंबर्स में से हम बड़ा नंबर चूज करेंगे, 7, 5, 9 में से। कौन सा नंबर बड़ा है? 9। अब 9 भी हमने लिख लिया। अब इन दोनों नंबर में से, ये दो जो नंबर है इसमें से चूज करेंगे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। और लास्ट में क्या है हमारा? 5। तो एक बार बेटा फिर ध्यान से देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं और सबसे छोटे पे जाके फिनिश करते हैं।
छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। सेकंड वाले में भी देखिए, सबसे बड़ा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो ये क्या है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने कुछ नंबर्स दिए थे, अपने तरफ से भी आप कुछ नंबर लेके और 5 क्वेश्चन उसको कर सकते हैं कॉपी में, मैथ की कॉपी में कीजिए। बाय बेटा, हैव फन। हेलो क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट मैथ्स में अब हम करने वाले ऑर्डिनल नंबर्स। क्या करने वाले? ऑर्डिनल नंबर्स। अब देखिए, आपके स्कूल में कोई भी कंपटीशन होता है, फ्रॉग रेस होती है, स्पून रेस होती है, कोई भी कंपटीशन होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसमें, आपका क्या होता है कि भाई कौन बच्चा फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन फोर्थ आया, तो रैंक होती है उसमें। आप लोग एग्जाम देते हो ना, जैसे अभी दोगे आप यूट्यूब कराओगे, आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम भी हो चुके, तो उसमें रैंक आती है, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। तो ये क्या होते हैं हमारे, जो हम इस नंबर्स को बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या होते हैं हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम ये ऑर्डिनल नंबर्स ब्लैकबोर्ड पे करके मैं बता रही हूँ आपको, आप इसे अपनी कॉपी में करके, मैथ्स की कॉपी में। अब देखिए, एक नंबर्स होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऑर्डिनल नंबर्स में कैसे लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। जैसे हमें ये 1 लिखा है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग सब बच्चों को पता है, O-N-E-1, ठीक है। लेकिन इसको ऑर्डिनल नंबर्स में कैसे लिखते हैं हम लोग, तो इसको लिखते हैं, हम बोलते हैं इसको फर्स्ट बोलते हैं। 1 को क्या बोलेंगे? फर्स्ट बोलेंगे, F-I-R-S-T, फर्स्ट, इसको ऐसे लिखा जाता है, फर्स्ट, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर्स है। अब 2 को क्या बोलते हैं? हम सेकंड बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं, स्पेलिंग सबको पता है, T-W-O-2, लेकिन इसको बोला जाएगा सेकंड। ऑर्डिनल नंबर्स में सेकंड बोला जाएगा, स्पेलिंग देखिए SECOND, सेकंड, ऐसे लिखा जाएगा। और ये नंबर्स हमारे रैंक के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब हमारा देखिए 3 को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं थर्ड। ऑर्डिनल नंबर में इसको थर्ड बोलेंगे, स्पेलिंग 3 की सबको पता है, लेकिन ऑर्डिनल नंबर में इसकी स्पेलिंग आती है THIRD, थर्ड। और नंबर 4 के लिए हम बोलेंगे फोर्थ। नंबर 4 के लिए क्या बोलेंगे? फोर्थ, स्पेलिंग FOURTH, फोर्थ, ऐसे लिखा जाएगा। और नंबर 5 में ऑर्डिनल, सॉरी, नंबर 5 को बोलेंगे हम फिफ्थ। ऑर्डिनल नंबर में फिफ्थ बोलेंगे नंबर 5 को, स्पेलिंग FIFTH, फिफ्थ। और नंबर 6 को बोलेंगे, सिक्स्थ। नंबर 6 को क्या बोलेंगे? सिक्स्थ, स्पेलिंग SIXTH, सिक्स्थ। और नंबर 7 को क्या बोलेंगे? सेवंथ, SEVENTH, सेवंथ। और नंबर 8 को क्या बोलेंगे हम लोग? 8, EIGHTH, 8 बोलते ना, 8, TH भी लग गया इसके साथ में। और नंबर 9 को बोलेंगे 9, NINTH, 9। और नंबर 10 को क्या बोलेंगे? 10th, क्या बोलेंगे? 10th, TENTH, 10th। तो ये क्या थे हमारे ऑर्डिनल नंबर, थे 1 से लेके 10 तक। इसको आप मैथ्स के, इसको आप मैथ्स की कॉपी में कीजिएगा, ये ऑर्डिनल नंबर है, स्पेलिंग इनकी अच्छे से याद कीजिएगा। और ये नंबर स्पेशली हमारे रैंक या पोजीशन को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाय बेटा, हैव फन।